नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जालौन जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर बहुचर्चित भाजपा से निष्कासित पूर्व नगर उपाध्यक्ष रिटायर राजस्व लेखपाल यौन शोषण के आरोपी राम बिहारी राठौर पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के घर से छापेमारी करते हुए लैपटॉप, हार्ड डिस्क, DVR, पेन ड्राइव, सेक्स वर्धक दवाएं, मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री, दर्जनों नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील वीडियो भी बरामद किए थे। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर पहले ही उसे जेल भेज दिया है। इस गरमाते मामले को लेकर सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर बुधवार को झांसी रेंज के IG सुभाष चंद्र बघेल का काफिला आरोपी के घर का निरीक्षण किया। हर बिंदु पर गहन निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दरमियान झांसी रेंज के IG सुभाष चंद्र बघेल ने बताया कि साइबर सेल सर्विलांस टीम, SOG टीम, फिंगर एक्सपर्ट टीम और भी अन्य टीमें अपने अपने ढंग से लगकर काम कर रही हैं। आरोपी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपी को बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सजा दिलाए जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर CEO राहुल पांडे, कोतवाल इमरान खान, खेड़ा चौकी के प्रभारी शफीक अहमद, सुरई चौकी प्रभारी मदन पाल, सागर चौकी प्रभारी संजीव कुमार कटियार, दरोगा रमेश चंद्र तिवारी, सिपाही धर्मराज, विकास कुमार, मनोज कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसमें जो है धारा 328 और 377 IPC और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट का अभियोग जो है पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो है पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक इनके द्वारा, क्षेत्र अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मैंने भी इस जगह को देखा और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसमें जो भी हमें जो है साइंटिफिक एविडेंसेस मिले हैं, एक तो हमने जो हमारे रेंज थाने की जो हमारी साइबर की टीम है उसको हमने भेजा था यहाँ पर सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए और हमारी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया, हमें काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा अन्य भी जितने प्रकार के और चीज़ें हैं, हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम आई थी उसको भी हमने यहाँ भेजा था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एविडेंस के रूप में हमको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमने सारे एविडेंसेस को इकट्ठा किया है और बहुत ही स्ट्रांग केस बनाया है। इसमें उम्मीद करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी अभी को सजा मिलेगी। सर जी, एक बात बताओ, इसकी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ सफेद पोशों के नाम आ रहा है, क्या इस संबंध में कुछ आप बताएंगे? ऐसा देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर चीज़ को ओपन रखते हैं। सर देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें आएंगी और जो भी चीज़ें हमें एविडेंसेज इकट्ठा करना है, हम सब कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल अंतिम जो है परिणाम तक उसको लेकर के जाएंगे और इसमें कठोर से कठोर सजा भी उसको दिलाएंगे। सर आज के मायने में कुछ भी आया? वो तो देखिए, काम तो पहले से चल रहा था, हमारी लगातार अधिकारियों से बात हो रही थी। आज हम आए थे उरई, तो हम घटनास्थल पर आए हैं और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी निर्देश इन लोगों को दिए हैं। तो चीज़ एविडेंस की चीज़ें ऐसी होती जो हम आपको कैमरे पर नहीं बता सकते, वो हमारा पुलिस का विवेचना का काम है, तो उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये हम जरूर विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं हम और इनको अधिकतम जितनी सजा हो सकती है उतनी सजा दी जाएगी। थैंक यू।